देश के बहस में हमारा आज का सवाल है, दिल्ली दंगों में क्या निष्पक्ष जांच हो रही है, क्योंकि इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में उन लोगों को फंसा रही है या डरा रही है जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? क्योंकि आज मास्टरमाइंड उमर खालिद पकड़ा गया है। उमर खालिद को मेरे हिसाब से फरवरी में ही गिरफ्तार किया कर लिया जाना था। उमर पर आरोप है कि उन्होंने 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में सीक्रेट मीटिंग में हिस्सा लिया, जहां ट्रंप के आगमन पर मोदी सरकार को शर्मिंदा करने की साजिश बनी। इस पर सवाल उठ रहा है कि ट्रंप के आने की खबर ही पहली बार 13 जनवरी को छपती है, 8 जनवरी को उमर को कैसे मालूम हो सकता है? उधर खालिद की गिरफ्तारी के बाद से कथित सेक्युलर खेमा विक्टिम कार्ड खेलने लगा है और जांच पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि कैसे सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली में हिंसा की आग भड़काई गई। उमर खालिद के जिस भाषण को आधार बनाया गया है वो भाषण 17 फरवरी को महाराष्ट्र के अमरावती में दिया गया था। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। इस भाषण में उमर खालिद तो यही कह रहे हैं कि सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है, तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। सड़क पर उतरने की बात कब से देशद्रोह हो गई? इसके पहले भी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के आगमन पर प्रदर्शन होते रहे हैं, दुनिया भर में होते हैं। क्यों सेक्युलर खेमा ये कह रहा है कि विक्टिम बनाया जा रहा है मुसलमानों को? दूसरी बात है, देखिए इनके पास ये विक्टिम कार्ड इतना पुराना हो चुका है कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारी गिरफ्तारी हुई है, कि अब नो वन गिव्स अ डैम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वी डोंट गिव अ डैम टू इट। और ये आतंकवादियों को मत बुलाया करिए, ये जो आतंकवादी है ना ये सारे पाकिस्तानी है, ये पैसा लेते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान से पैसे पे घर चलता है इनका, ये ऐसे देशद्रोही लोग हैं। नहीं नहीं, आपके बच्चे भी आपके तरह गिद्ध ही होंगे, आपके और आपके गिद्ध बच्चे जो है उनको लेकर आप जाइए मंडराइए वहां पर, अभी मुझे बोलने दिया जाए। अगर भाषण ही आधार है तो फिर इन तीनों भाषणों को आप कैसे देखना चाहेंगे? सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल, ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे, इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। गद्दारों को होली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। इन भाषणों के संदर्भ में सवाल उठ रहे हैं कि इनसे क्यों नहीं पूछताछ हुई, या जांच का विषय समझा गया कि इनका संबंध हिंसा से भी हो सकता है। मुझे बताइए पंडित जी, आपका क्या मानना है, क्या मुसलमान है उमर खालिद इसीलिए गिरफ्तारी हो रही है? ये क्यों लोग मुसलमान बन जाते हैं, हम हिंदुओं के खिलाफ हो जाते हैं, हम हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाते हैं? क्या ये देश अपना नहीं मानते? और अगर अपना नहीं मानते हैं, इस तरह की अराजकता करते हैं, तो हमारे देश में मैं माननीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से, भारत सरकार से और शासन प्रशासन जो हमारे देश का है संविधान से, सबसे ये मांग करता हूँ कि हमारे देश में इन अराजकता करियों को, मतलब जो अराजकता करते हैं, इन सबको एक ही कानून सीधे सीधे सार्वजनिक मौत दी जाए, ताकि अराजकता हमारे देश से खत्म हो जाए। और ये आतंकवादी, ये बैठे हुए ना, ये सोएब जमई जैसे लोग और ये जो आतंकवादियों के समर्थक हैं, इन सबको खुली चेतावनी है, ये आरएसएस को, बजरंग दल को, इन सबको बदनाम करते हैं। अगर हम लोग, अगर हम हिंदू असहिष्णु हो गए ना, सच में असहिष्णु हो गए, तो जगह नहीं बचेगी ना। सवाल है कि कफील खान पर भी जो एनएसए लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें भी लगाने वाले का कुछ नहीं हुआ, मगर कफील खान को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। अदालत ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए लगाने के फैसले को गैर कानूनी बताया था, इल्लीगल। इस संदर्भ में देखिए तो सवाल लाजमी हो जाता है, क्योंकि जो हुआ कफील खान का हुआ,
उन पर अवैध रूप से एनएसए लगाने वाले पर ₹5 का फाइन तक नहीं लगा। मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि देश का हिंदू समाज यदि इस इनके पीछे नहीं यदि सचेत हुआ, संगठित नहीं हुआ, तो ये गद्दार कल जाकर के फिर से देश विभाजन की बात कर सकते हैं। मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कुरान पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि कुरान ही जो है वो आतंकवाद की पाठशाला है। इसी तरह बेंगलुरु में एक लड़की के भाषण की चर्चा हुई थी। 19 साल की अमूल्या लियोना के घर तक पर हिंसा हुई। करीब 4 महीने तक उसे जेल में रखा गया। टीवी की बहस में उसके बारे में क्या क्या ना कहा गया और पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट तक दायर नहीं कर सकी। 110 दिन बाद चार्जशीट ना होने की वजह से कोर्ट ने उसे रिहा किया। क्या किसी को अफसोस हुआ? उसे किसके भरोसे इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ा गया? जो लोग नाइंसाफी कर रहे थे उनका तो कुछ भी नहीं हुआ। कि देश की बहस में 85% लोग मानते हैं कि जांच निष्पक्ष हो रही है। थैंक यू। नहीं थैंक यू दीपक भाई, नहीं थैंक दीपक भाई, मैं आपसे अनुमति लेके आप जाना। अरे जाओ भाई, नौटंकी क्या करते हो? जाओ भाई, मैं 10 सेकंड में तुम्हारे बगैर नहीं सो चलेगा क्या? जाओ, आप जाओ, बिल्कुल जाओ। दोबारा से सुनिए किस तरह उमर खालिद भड़काने की कोशिश कर रहा। महात्मा गांधी की बात करी और बताया कि महात्मा गांधी ने अगर लड़ने का हमें सबसे बड़ा हथियार कुछ दिया है तो अहिंसा दिया है, वो सत्याग्रह दिया है। सिविल लापरवाही, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, ये महात्मा गांधी के लड़ने के तरीके थे। अगर आज उस महात्मा गांधी के बताए हुए सिद्धांत पे अगर कोई चल रहा है तो इस देश की आवाम चल रही है, और इस देश की आवाम को अगर किसी ने रास्ता दिखाया है तो वो शाहीन बाग की औरतों ने दिखाया है। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठाकर लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर मेरे अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसी हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।